गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं अगेन आ गई हूँ एक नई फ्रोजन फूड की वीडियो लेके आपके सामने। ये है मेरे पास मकेन्स के चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स, जो कि फ्रोजन फूड है। और इसको भी मैं एक बार बेक करके, इसने स्टेप्स दे रखे हैं बेक करना है या फिर इसको एक पैन में ऑयल को गर्म करके उसके अंदर ये पोटैटो बाइट्स डाल के उसको फ्राई करना है, ठीक है। तो इसकी टेस्टिंग करके आपको बताते हैं कैसा है, आप लोगों को ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि ये कैसा है दिखने। ये है मकेन्स का चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स, जो फ्राई और बेक होता है। स्टोर इन फ्रीजर, इसको फ्रीजर में स्टोर करके रखना है, कुक विदाउट थ्रोइंग, ठीक है। 20% एक्स्ट्रा मिलता है, इसमें फ्री लिखा हुआ है। और मकेन्स तो अपनी जानी पहचानी ही ब्रांड है, ठीक। और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 130, और पर जो इसके अंदर पीसेस हैं पोटैटो बाइट्स के, 0.31 पर ग्राम इसका रेट मुझे पड़ा है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और सोडियम। और यहाँ इसके कुकिंग मेथड्स लिखे हुए हैं कि ऑयल गरम करना है, जितने आपको बनाने उतने बनाइए, बाकी आप फ्रीज में अपना स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी आपकी इच्छा हो तब आप इसको बना के। इसको हम देखते हैं बना के कैसा लगता है खाने में, कैसा होता है इसका टेस्ट है, और मैं रिव्यू दूंगी आपको कैसा लगता है। आप सब ट्राई करो या नहीं, मतलब पैसा वसूल भी है या ऐसे ही है सब कुछ। चलो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पैन में ऑयल गर्म कर लेती हूँ, देन मैं अपनी पोटैटो बाइट्स को उसमें फ्राई करूंगी, फिर टेस्टिंग करके आप सबको बताऊंगी कि कैसा है टेस्ट। आ गई हूँ मैं अपने किचन में, और मैंने पैन कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। जैसे ये गर्म हो जाएगा मैं अपनी पोटैटो बाइट्स को इसके अंदर फ्राई करूंगी, और फिर आपको टेस्टिंग करके इसकी पता। पोटैटो बाइट्स को पैक से निकाल के एक प्लेट में निकाल लिया है, ये ऐसे होते हैं दिखने में, ये गार्लिक पोटैटो बाइट्स हैं। दूसरी साइड मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, तो मैं एक एक करके ये पोटैटो बाइट्स अपने इसके अंदर डालूंगी, और देन इसको फिर सर्व करेंगे गर्म गर्म। थोड़ा गैस को हम सिम कर देंगे। मैंने अपनी सारी पोटैटो बाइट्स इस पैन में डाल ली हैं, और हल्का सा मैंने गैस को तेज कर दिया है। इनको हम रेडिश ब्राउन होने तक पकाएंगे, देन हम इसको फिर सर्व करेंगे। मेरी पोटैटो बाइट्स बिल्कुल रेडिश ब्राउन हो चुकी है, हमें ऐसा ही कलर चाहिए था। अब मैं इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी, गैस को स्लो कर दूँगी, और इनको अब मैं निकाल लूँगी। अब मैंने इनको निकाल लिया है, अब मैं इनको आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि ये कैसे हैं टेस्ट में। अब मैं इसकी टेस्टिंग करके आपको बताती हूँ कि ये कैसे हैं खाने में। थोड़े से गर्म हैं, क्रिस्पी हैं, आप देख सकते हैं क्रिस्प इसका। बहुत अच्छे हैं खाने में, थोड़े से गर्म थे, क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत अच्छे लगते हैं। नाश्ते में आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो एक बार। मैं तो कहूँगी कि एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इसको, मकेन्स के चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स, ओके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और लाइक कर दें वीडियो को। थैंक यू।